साउथ की सुपरस्टार नागर चैतन्य ने फाइनली शोभिता धुलीपाला से एंगेजमेंट कर ली है। बहुत टाइम से नागर चैतन्य और शोभिता को लेकर उनके जो अफेयर की खबरें हैं सोशल मीडिया पर आती रहती थी, लेकिन अब फाइनली दोनों ने एंगेजमेंट कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। आज यानी कि 8 अगस्त को नागार्जुन ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने बेटे और बहू की पहली पिक्चर को शेयर कर दिया। इसके साथ ही समंथा रूथ प्रभु, जो कि नागा चैतन्य की एक्स वाइफ है, उनका एक पोस्ट इस बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की एंगेजमेंट की पिक्चर सामने आने के बाद समंथा रूथ प्रभु ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जो तेजी से वायरल हो रही है। चलिए आपको बताते हैं एक्ट्रेस ने इस बीच क्या कुछ अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। दरअसल 2024 पेरिस ओलंपिक भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम कुश्ती मुकाबले में ज्यादा वजन होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एथलीट 100 ग्राम से चूक गई, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। खबर सामने आने के बाद कई हस्तियां विनेश के सपोर्ट में नजर आई। वहीं अब विनेश फोगाट ने कुश्ती करियर को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। इसी बीच समंथा रूथ प्रभु ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक टूटे हुए दिल का इमोजी शेयर किया है। समंथा ने विनेश के रिटायरमेंट के बारे में पोस्ट को रीपोस्ट करके देश की भावनाओं को जाहिर किया। भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल था, इसलिए समंथा ने ये दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया। वहीं बात करें नागा चैतन्य, जो कि उनके एक्स हस्बैंड हैं, उनकी सगाई को लेकर तो बहुत टाइम से एक्टर शोभिता को लेकर खबरों में बने रहे। नागा चैतन्य और शोभिता को इससे पहले साथ में वकेशन मनाते भी देखा गया। साथ में दोनों लंदन में घूमते और वाइन टेस्टिंग सेशन का आनंद लेते भी नजर आए थे। इसके अलावा एक जैसे बैकग्राउंड वाली कई फोटोज नागा और शोभिता की साथ में वायरल हुई, जिसको लेकर लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली आज 8 अगस्त को नागा चैतन्य और शोभिता दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है और जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं। नागा चैतन्य शोभिता के एंगेजमेंट के बीच एक्स वाइफ समंथा का ये जो दिल टूटा इमोजी वाला पोस्ट है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।